YouTube पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है मिनिमलिज्म। ये कहानी है दो दोस्तों की, जोशुआ मिलबर्न और रायन निकोडेमस, जो खुद को द मिनिमलिस्ट्स कहते हैं। अब ये मिनिमलिज्म एक्चुअल में होता क्या है? मिनिमलिज्म इज अबाउट अवॉइडिंग द अननेसेसरी। इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी, यूटिलिटी एंड एलिगेंस। इट्स ऑल अबाउट लेस इज मोर, मतलब कि कम चीजों में खुश रहना ही मिनिमलिज्म है। फिल्म में बताया गया है कि एज ह्यूमंस हम कितने बड़े होर्डर हैं, मतलब हम दुनिया जहान की फालतू चीजें अपने घर पे इकट्ठी करके रखते हैं। जैसे ही लेटेस्ट फोन आया मार्केट में, वैसे ही उसको लेने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। और जैसे ही फास्ट फैशन ब्रांड पे सेल लगती है, हम कपड़े खरीदने लगते हैं, चाहे हम उन कपड़ों को कभी दोबारा पहने भी नहीं। ये अर्ज टू बाय ही कंज्यूमरिज्म है। रिसर्च कहती है कि एवरेज ह्यूमन दिन में करीब 150 बार अपना फोन चेक करता है। जैसे ही हमें एक नोटिफिकेशन आती है, हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है और एक अर्ज पैदा होती है उस नोटिफिकेशन को देखने की। अब सीन ये है कि हर बड़ी कंपनी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक बनाती हो या फिर कपड़े, बस वो यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें, और वो भी जल्दी से जल्दी। इसी कंज्यूमरिज्म में फंस के हम कई बार इंपल्सिव शॉपिंग भी करते हैं। इन सब कंसर्न्स को रेज करते हुए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। डू वी रियली नीड ऑल दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन आवर लाइव्स टू मेक अस हैप्पी? हम सब ये सब चीजें खरीद के एक वॉइड फिल करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में हम कंपनीज के जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि अगर हम हर बार कोई नई चीज लेने से पहले 2 बार सोचेंगे कि क्या ये चीज सच में मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है या नहीं, क्या इससे मेरे एनवायरनमेंट को फर्क पड़ेगा। इस लेस कंजम्पशन वाली अप्रोच से एक तो हमारा घर भी डीक्लटर्ड रहेगा और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इस डॉक्यूमेंट्री की एक कोट मुझे बहुत अच्छी लगी, लव पीपल एंड यूज थिंग्स, जबकि हम सब इसका उल्टा करने लगे हैं। आप भी मिनिमलिज्म को देख सकते हो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और तुम्हारे क्या व्यूज हैं ऐसी मिनिमलिस्टिक लाइफ को लेके, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।